दोस्तों रियलमी ने अपना नया फ़ोन रियलमी नार्जो 70 प्रो जो है वो लॉन्च कर दिया, और ये फ़ोन जो है बहुत ही कमाल करने वाला है। इसके अंदर आपको एक ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगा जिसे आप इस फ़ोन को बिना टच किए भी चला सकते हो। ये फीचर्स जो आपको रियलमी की प्रीमियम वाली सीरीज रियलमी GT सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता था, पर इस फ़ोन के अंदर भी इस फीचर को ऐड किया गया है जिसे एयर गैंगस्टर मोड कहा जाता है, और इससे आप बिना टच किए अपने हाथ की मूव से ही इस फ़ोन को चला सकते हो। और वहीं पर अब इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो पीछे से आपको डुअल टोन कलर के साथ देखने को मिलता है, जहां पर इसकी बैक जो आपको ग्लास की देखने को मिलने वाली है, इसकी फ्रेम जो है वो प्लास्टिक की होने वाली है, और ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगी या ना ही कोई कर्व डिस्प्ले होने वाली है इसके अंदर। अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.6 इंचेस की 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जो कि HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ आएगी। तो इसके अंदर आपको कंटेंट वॉचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वहीं पर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर निकल के आता है। इसका अंतुतु स्कोर जो आपको 5 लाख के आसपास देखने को मिलता है, तो इसमें आप गेमिंग जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब इसके कैमरे की बात करें, रियलमी की नार्जो सीरीज़ जो वो परफॉर्मेंस के लिए पहले जानी जाती थी, पर इस बार परफॉर्मेंस के साथ साथ उसने कैमरे के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा जो आपको 15 मेगापिक्सल का सोनी का 890 सेंसर देखने को मिलता है विथ OIS देखने को मिलता है, और वहीं पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता था। रियलमी नार्जो 60 प्रो के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड हटा दिया गया था, वहाँ पर सिर्फ आपको 108 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल्स का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता था, पर इसके अंदर अल्ट्रा वाइड ऐड किया गया है और वहीं पर 2 मेगापिक्सल्स का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। तो इसका कैमरा जो है बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और अब अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, 67 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है, और चार्जर जो आपको बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉइड 14 पर रन करने वाला रियलमी UI 5.0 देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और ये इसके रैम और रोम की बात करें तो इसके अंदर आपको LPDDR4X ही रैम देखने को मिलेगी, और UFS 3.1 देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फास्ट होने वाला है। और इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलने वाला है, और वहीं पर डिस्प्ले के ऊपर ही आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आपको एक और फीचर्स देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारे फ़ोन जो है वो पानी के छींटे के साथ जो ये फ़ोन की डिस्प्ले जो है वो चलती नहीं है, पर इस फ़ोन के अंदर आपको पानी के छींटे इसकी डिस्प्ले के ऊपर हुए तब भी आप इस फ़ोन को जो है यूज़ कर पाओगे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो आपको मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर आने वाला है, जिसमें 8GB और 128GB वाला एक वेरिएंट होगा, और 8GB 256GB वाला दूसरा वेरिएंट होगा। 8GB 128GB वाले वेरिएंट की बात करें तो आपको 18999 के अंदर देखने को मिलेगा, और वहीं पर 8GB 256GB वाला वेरिएंट जो आपको 19999 के अंदर देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।